Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty. And this is my free classes ke timing, which is on YouTube and Testbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. If you are Testbook Super Coaching platform, you are preparing UGC NET set JRF Assistant Professor, or you want to clear PhD exams, then subscribe to our Testbook Super Coaching channel so that you don't miss any important update. So learners, this is my Telegram group. In this group, we share all the important updates with you. So do join our Telegram group. तो लर्नर्स एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे कई बार बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किसकी ज्यादा वेटेज होती है जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बात करते हैं. तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी द इंटायर प्रोसेस, एवरीथिंग अबाउट कि कितनी वेटेज होती है पीएचडी की, कितनी वेटेज होती है नेट की, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इन दोनों में से किस चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ऑल्सो नॉट ओनली दैट, पीएचडी अगर करनी है तो कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, इसकी भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी आज के सेशन में. तो इस सेशन को अच्छे से देखिए ताकि आपको इसके बारे में किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़े और किसी भी तरह की गलत गाइडेंस से भी आप मिसगाइडेड नहीं हो. तो ये जो सेशन मैंने आप लोग के लिए आज का प्लान किया है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कितनी होती है वेटेज पीएचडी या नेट की इन बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर. So let's start and let's understand the entire process. सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से होती है. पहले अगर आपको याद होगा शुरुआत में लेक्चरर की पोस्ट हुआ करती थी, लेक्चरर या रीडर की पोस्ट हुआ करती थी किसी भी कॉलेज में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए. अब अगर हम बात करें तो इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी जो कि स्टार्टिंग लेवल पे होता है. इसमें भी बहुत सारे स्तर होते हैं जिसको हम लेवल्स कहते हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जिनकी प्रोन्नति होती है, प्रमोशन होती है, वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं और फाइनल जो रैंक है वो है प्रोफेसर की, जो कि एक बहुत सीनियर पोस्ट होती है अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. नाउ हमारी यूनिवर्सिटी का क्या स्ट्रक्चर है, या अगर हम इस तरह से समझें कि हायर एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में, तो हायर एजुकेशन की जो पढ़ाई होती है वो या तो कॉलेजेस में होती है या यूनिवर्सिटीज में होती है. अब यूनिवर्सिटीज को अगर हम देखें तो ब्रॉडली चार कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं. एक हो गई आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अनदर इज योर स्टेट यूनिवर्सिटी, थर्ड इज योर डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ इज योर प्राइवेट यूनिवर्सिटी. ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पूरे फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग स्टेट करता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस लाइंस पे चलती है. हाउएवर डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलते हैं और भी बहुत कैटेगरी से फंड्स आते हैं, और प्राइवेट जो है वो पूरी तरह से प्राइवेटली ओन्ड रहती है. कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रिपल पी मॉडल पे भी काम करती है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको आप कई बार सेमी गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं. उसमें थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है, गवर्नमेंट का कुछ वो स्टेक होल्डर होते हैं और कुछ प्राइवेट हैंड्स में भी उन्हें दिया जाता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमें पीएचडी कहाँ से करनी है, उसकी वेटेज क्या और किस तरह से ये सारा प्रोसेस वर्क करता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट लेवल जो होता है वो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है. किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब वैकेंसीज आती हैं तो आपसे मांगा जाता है आपका इंटायर पोर्टफोलियो, जिसको हम एपीआई कहते हैं. एपीआई बनता है आपका, और जब हम एपीआई बनाते हैं तो चूंकि आप जानते हैं कि पीएचडी को मार्क्स जो मिलते हैं वो 25 मार्क्स मिलते हैं इन केस ऑफ कॉलेजेस, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज की तो 30 मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, मगर देयर इज अ कैच, प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज नॉट कि आपने पीएचडी कहीं से भी कर रखी है तो आपको ये मार्क्स मिलेंगे. नाउ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने एक कैच लगा दी है कि अगर आपने पीएचडी कोई ऐसी जगह से की है जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है, ठीक है, तो अब जो है अब सिर्फ पीएचडी करने से इट इज नॉट सफिशिएंट. पीएचडी कहाँ से की है ये भी इम्पोर्टेंट है, बट लेट मी पुट इट पुट वन थिंग वेरी क्लियर टू यू कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपके पास दो कैटेगरी में क्वालिफिकेशन मांगी जाती है. एक होती है एसेंशियल और एक होती है डिजायरेबल.
ठीक है, जब हम बात करते हैं असेंशियल की, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, तो एक आपको पीजी आपको चाहिए। अगर आपके पीजी में अच्छे मार्क्स हैं तो ये एक एडवांटेज होता है, जैसे आपका पास अगर मेरिट वाला था कुछ सेटअप, या आपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं या टॉपर्स रहे हैं, अच्छे परसेंटेज आए हैं, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड यूजी और पीजी में अच्छा रहा है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। साथ साथ जो असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो होती है आपकी नेट, सेट या जेआरएफ। ठीक है, अगर ये आपकी जो ये मांगा ही जाता है, आइडियली नेट मांगा जाता है, क्योंकि अगर आपने जेआरएफ किया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है, आप जेआरएफ अगर किए हुए तो आप पीएचडी करेंगे ही, तभी आपको इसका कोई फायदा भी मिलेगा। सिर्फ जेआरएफ क्लियर कर लेना इज नॉट सफिशियंट, जेआरएफ आपको फेलोशिप की बात करता है, प्लीज जेआरएफ को भी समझिए। एफ जो है इसमें वो फेलोशिप की बात करता है, यानी स्टाइपेंड की, और फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं। तो सिर्फ जेआरएफ क्लियर कर लेना इज नॉट सफिशियंट टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ जेआरएफ। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर चूंकि ये एंट्री लेवल का होता है, यहाँ पे इट इज लाइक डिजायरेबल कि आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। तो अगर आपका नेट क्लियर है और आपका अगर पीजी में अच्छे खासे मार्क्स है तो आपका एक फेयर चांस बनता है, बिकॉज यहाँ पे पीएचडी को सेकेंडरी मानते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस जैसे मैंने आपको कहा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लेवल्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, जिनको इवेंचुअली पार करके ही आप एसोसिएट बनते हैं। एसोसिएट बनने के लिए पीएचडी जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, एसोसिएट बनने के लिए पीएचडी मैंडेटरी हो जाती है। तो अगर आप बिगनिंग लेवल पे, और इसको करने का तरीका क्या सही रहेगा, अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमने नेट क्लियर किया हुआ है और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एक आध पेपर भी आपने पब्लिश करा लिया, आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है और आपने अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? सो द बेस्ट थिंग इज यू शुड स्टार्ट वर्किंग इन इन दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और अब जो बेस्ट तरीका हो गया वो हो गया पार्ट टाइम पीएचडी, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, और आपको आने वाले समय में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि आपके पास ये सर्टन टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहेगा। हाउएवर, टीचिंग एक्सपीरियंस को अगर हम एपीआई में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जो कि पीएचडी से पहले किया गया है, ठीक है, बट एक एज आपको मिल जाएगी कि आप एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, यूजी लेवल को पढ़ा रहे थे, पीजी लेवल को पढ़ा रहे थे, और उसके साथ अगर आपने पीएचडी की तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बना रहेगा। तो अभी आपने ये मान के चलना है कि अगर आप बिगनिंग लेवल पे हैं और अगर आपने पीएचडी नहीं भी की हुई है तो भी आप नेट जरूर से क्लियर कर लीजिए। अभी भी नेट एक एंट्री लेवल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्वालिफाइंग माना जाता है, और साथ साथ आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब भी अप्लाई करते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक आध पेपर भी पब्लिश कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे यू विल गेट एन एंट्री, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप चाहे तो ब्रेक लेके, जबकि अगर अच्छी जॉब मिल जाती है तो देयर इज नो पॉइंट दैट आप 2-3 साल 4 साल 5 साल का ब्रेक लेके पीएचडी करें, और उसके लिए सबसे अच्छा है पार्ट टाइम पीएचडी। आने वाले समय में हम और हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबल सिस्टम्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज कि जब भी पीएचडी करें तो अच्छी जगह से करें, क्योंकि जैसे तैसी जगह से पीएचडी पैसे खर्च करके कई बार हम कर लेते हैं तो उस पीएचडी का आगे आपको कोई वेटेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये एनआईआरएफ रैंकिंग को अच्छी यूनिवर्सिटीज आज के समय में कंसिडर करने लगी हैं, एंड देन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस आर वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अगर वहां से मौका मिले तो जरूर कर लीजिए, बट अगेन ऐसा मत कीजिएगा कि बस आपने इनरोलमेंट कर लिया और जैसे तैसे करके सबमिट कर लिया, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में वो सिलेक्शन कमिटी को भी पता रहता है, तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर से ध्यान रखिएगा। और जैसा कि हम बात कर रहे थे अबाउट आर वेटेज, कुछ और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। बिफोर दैट, हमारे दिसंबर फाउंडेशन बैच 2.0 की क्लासेस लाइव जा रही हैं, पेपर वन और पेपर टू की, तो कंप्लीट लाइव प्रिपरेशन और गाइडेंस सेशन के साथ हम आपकी तैयारी कराएंगे दिसंबर एग्जाम्स के लिए। नॉट ओनली दैट, हम आपके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम पीएचडी एडमिशन को लेकर गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाए। तो लर्नर्स, कुछ दिन पहले मैंने एक ये सेशन लिया था जिसमें मैंने एपीआई स्कोर के बारे में बताया था, और जैसे आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स होते हैं
ठीक है, जब आपका पूरा मार्क्स बनता है तो यूनिवर्सिटीज में 30 नंबर मिलते हैं आपको पीएचडी के। अगर आपने एमफिल भी की हुई है तो एमफिल और पीएचडी मिला के भी आपको 30 मिलता है। अगर आपने सिर्फ एमफिल भी की है तो आपको 5 से 7 नंबर मिल जाते हैं। बट अभी चूंकि एमफिल अब आने वाले समय में बंद कर दी गई है तो बहुत पहले के स्टूडेंट्स होंगे तो ही ये कैटेगरी बन पाती है। और नेट की अगर हम बात करें तो जेआरएफ के साथ अगर नेट है तो 7 नंबर है, नेट सिर्फ बात करें तो 5 है, और स्लेट और या सेट की जो एग्जाम्स है उसमें 3 नंबर आपके बनते हैं। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो पीएचडी के आपको 25 नंबर मिलते हैं इंक्लूडिंग एमफिल, और नेट के केस में जेआरएफ के साथ अगर कॉलेजेस में आप अप्लाई करते हैं तो उसकी ज्यादा वेटेज है, यानी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर आपने नेट किया हुआ है तो आपको 8 नंबर मिलते हैं, और उस स्टेट का अगर आपने सेट एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे कि कितनी वेटेज है। अगर हम ओवरऑल इस बात को सम अप करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट ज्यादा यूजफुल है, और पीएचडी तभी यूजफुल है अगर आपने उसे एक अच्छी जगह से किया है, बिकॉज अदरवाइज इसे कंसिडर नहीं किया जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बिगनिंग लेवल पे जो मेन क्राइटेरिया होता है वो परफॉर्मेंस होता है आपका इंटरव्यू के बेसिस पर, और अगर थोड़ा बहुत आपका स्कॉलरली पब्लिकेशन है उसके बेसिस पर। तो इन चीज़ों की को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, रिसर्च की अच्छी नॉलेज डेवलप करेंगे क्योंकि यही आपकी मदद करेगा इंटरव्यू में भी, और गोइंग फॉरवर्ड, यस गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर, पीएचडी इज अ मस्ट। राइट, सो इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा, और डू लेट मी नो वॉज दिस सेशन हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज इस तरह के हम छोटे छोटे सेशंस बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो हमारे इस सेगमेंट के स्टूडेंट्स के साथ होती है वो होती है लैक ऑफ अवेयरनेस, और ये हमें नहीं समझ में आता हम किससे पूछे कहाँ पूछे। तो ये एक प्रयास किया गया है ताकि हम आप तक ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचा सके। सो आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर जो क्लासेस अभी होने वाली है इन टाइम्स टू कम, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। सो आई विल सी यू ओवर द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।